दिल्ली हिंसा के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार किया है। पुलिस की याचिका पर कोर्ट ने आरोपियों से जवाब मांगा है। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस पहुंची थी। इस फैसले के आधार पर किसी और को राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यूएपीए पर हाईकोर्ट की व्याख्या पर विचार की जरूरत है। ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के यूएपीए की व्याख्या पर भी विचार की जरूरत की बात कही। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस फैसले का असर ये होगा अनुराग कि तीनों जो आरोपी हैं वो तो जमानत पर बाहर रहेंगे ही। उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने की जो मांग है उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जो आपत्ति थी कि ये एक ऐसा फैसला है जिसके चलते देश भर में जो विभिन्न अदालतों में यूएपीए के तहत जो मुकदमे लंबित हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, और कोर्ट ने सिर्फ जमानत अर्जी पर विचार करते हुए जमानत ही नहीं दी बल्कि यूएपीए की जो व्याख्या की है वो गलत की है, और एक तरीके से इस मामले में आरोपियों को जमानत ही नहीं थी बल्कि बरी भी कर दिया है। तो उनका ये कहना था कि भले ही आरोपियों को जमानत पर बाहर रहने दिया जाए लेकिन इस फैसले पर रोक लगनी चाहिए। तो कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई लेकिन ये साफ कर दिया कि देश भर की किसी भी अदालत में यूएपीए के तहत जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें इस फैसले को आधार बनाकर आरोपी राहत नहीं पा सकेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की व्याख्या का, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं है दिल्ली की अदालत के साथ साथ देश की बाकी अदालतों में यूएपीए के संदर्भ में। अरविंद, बिल्कुल बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भी था कि ये हैरत की बात है कि मामला जमानत अर्जी पर विचार करने का था, कोर्ट को उसी आलोक में विचार करके फैसला देना था, लेकिन जिस तरीके से 100 से ज्यादा पेजों पर को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और जिस तरीके से यूएपीए की व्याख्या की है उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट इस मामले में जो विचार का बिंदु है कि क्या यूएपीए को लेकर के हाईकोर्ट की टिप्पणियां सही है नहीं, उस पर तो विचार करेगा ही करेगा, लेकिन इस फैसले को नजीर बना करके फिलहाल यूएपीए के जो आरोपी हैं देश भर में वो राहत नहीं पा सकते।